नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स उनसे चीट करते हैं, या ये कहें वो मल्टीपल अफेयर्स में जा रहे हैं, या ये कहें कि उनके पार्टनर्स उन्हें धोखा दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके होते हुए उनका ध्यान दूसरों पर जा रहा है, दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ओपनली शो ऑफ कर रहे हैं कि वो उनको कितने लोग लाइक करते हैं, उन्हें कितना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और लोगों के साथ उनके आपके होते हुए भी छुप कर नहीं बल्कि एकदम ओपनली दिखावा करके वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली ये प्रॉब्लम फीमेल की है जिनके मेल्स ऐसा करते हैं, जबकि आपका रूप रंग भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब चीज़ सही होने के बावजूद भी। लेकिन इसका कारण क्या है, ये अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसके कारण आप ही हैं, नेगेटिव वे पे नहीं, पॉजिटिव वे पे। इसका कारण ये है कि आपके पार्टनर का शुक्र वीनस का वाइब्रेशन बहुत हाई है। आपके ही कर्मों से, आपके ही पुण्य से, आपकी ही पूजा पाठ से, आपकी ही साधना से उनके शुक्र को बल मिला है। शुक्र को हम जानते हैं सुख समृद्धि, मान सम्मान, वैभव, लग्जूरियस। तो लग्जूरियस के साथ उनके लाइफ में रूप रंग और मतलब कि मल्टीपल लोगों का अट्रैक्शन भी उन्हें मिलता है, तो ये तो उनके लिए पॉजिटिव ही है, लेकिन आपके लिए नेगेटिव जा रहा है। तो अब आप ऐसा क्या करें कि उनका ये वाइब्रेशन कम हो जाए? इसके लिए शुक्र को काउंटर करने वाले जो प्लैनेट हैं वो हैं गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। तो वीनस को काउंटर करते हैं जुपिटर, काटते नहीं, काउंटर करते हैं। कैसे काउंटर करते हैं? ज्ञान से। जुपिटर मतलब गुरु, गुरु से जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है या किसी को भी ज्ञान प्राप्त होता है तो अपनी लग्जरी का, अपनी मिलने वाली सुविधाओं का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सिर्फ सुविधाएं मिलने से उसका इस्तेमाल सही या गलत दोनों हो सकता है, लेकिन ज्ञान मिल जाने से उसका इस्तेमाल सही भी होगा और सही तरीके से होगा। तो ये भी आपको ही करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है, इसलिए फीमेल को ये करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फीमेल बहुत रूपवान होती है और अपने ही पुण्य प्रताप से या अपने अच्छी हीलिंग से अपने शुक्र को वो मजबूत करते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारे हम लोगों ने रेडीमेड सीखे हैं, जैसे कि यहाँ शुक्र पर्वत पर इत्र लगाना, 2-4 लिखना, और शुक्र के लिए कुछ रिचुअल्स करना। ये सब चीज़ें हमने इस चैनल में बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो उनका बहुत बढ़ जाने से क्या होता है कि उनके गुरु का जब हम स्ट्रॉन्ग कर दें, गुरु की वाइब्रेशन को लेकर आ जाए, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो ये सब काम तो क्या, वो उस तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता, वो अपनी जगह बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, सही तरीके से काम करता है। तो मेल हो या फीमेल दोनों ही इस चीज़ को करना, सबसे पहले गुरु को, गुरु की वाइब्रेशन, बृहस्पति की वाइब्रेशन, जुपिटर की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए गुरु का एक मंत्र है जिसे आप अभी लिख लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को लिख लीजिए। इस मंत्र का पाठ हर गुरुवार को करेंगे 21 बार, और उस गुरुवार को फास्टिंग भी करेंगे। इससे आपकी बॉडी भी हील होगी। 24 घंटे की फास्टिंग से आपका पूरा बॉडी अंदर से प्योर होगा, और दूसरा आपका गुरु स्ट्रांग होगा। आपके जुपिटर के स्ट्रांग होने से उनका भी जुपिटर स्ट्रांग होगा। आपके इस रिचुअल से केवल आपका ही फायदा नहीं, उनका भी फायदा होगा। देखो, उनके लाइफ से ये जो मल्टीपल अफेयर्स हैं वो दूर चले जाएंगे, तो आपको ये लग रहा होगा, साउंड ये कर रहा होगा कि उनका नुकसान हो रहा होगा। नहीं, उनको ये फायदे जैसा ही फील होगा, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और उनका ध्यान पूरी तरह से सही रास्ते पे होगा, स्पिरिचुअल। फिर आपके आपके जीवन में, आप सबके जीवन में स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी आएगी। स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी किसे कहते हैं भाई? स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी मतलब आध्यात्मिक समृद्धि, मतलब जीवन में समृद्धि, विराम, भगवान राम की तरह, जिनके जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि है। तो
गुरु को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। अगर आप ये चीज़ ना करना चाहें कि ये मंत्र जाप ना करना चाहें, गुरुवार की फास्टिंग ना कर पाएँ, तो एक ब्रेसलेट पहन लें और दोनों ही करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ब्रेसलेट में कौन सा कंटेंट होगा? अमेजोनाइट, अमेजोनाइट का एक ब्रेसलेट, या तो कंप्लीट अमेजोनाइट पहन लें या तो तीन रत्नों का कॉम्बिनेशन पहन लें, मतलब अमेजोनाइट, एंजेलाइट और एक्वामरीन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट आप बना करके पहनिए। अपने किसी भी हीलर से आप संपर्क करके इसे लीजिए और पहनिए, तो ये चीज़ आपके और आपके पार्टनर के जीवन में गुरु बृहस्पति की वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। अगर कोई रिंग पहनना चाहते हो तो ग्रह का रिंग पहन सकते हो, पुखराज को धारण कर सकते हो, बट क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पुखराज को धारण करना बहुत नियम कानून है और पुखराज पहनेंगे तो उसके बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा पुखराज ना पहन करके आप ब्रेसलेट धारण करें, जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और आपके जीवन में बृहस्पति ज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा। ध्यान रहे कि इसे राइट हैंड में ही पहनना, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वाला इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसे राइट हैंड में ही पहनना। आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।